हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ इमीडिएट सीज फायर इन गाज़ा बाय इसराइल। तो इंडिया जो है इस फेवर में वोट कर रहा है कि सीज फायर तुरंत से तुरंत होना चाहिए जो गाज़ा पे इन गाज़ा बाय इसराइल, तो मतलब इसराइल सीज फायर करे। इंडिया ऑन ट्यूजडे वोटेड इन फेवर ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA में रेजोल्यूशन डेट कॉल्ड ऑन इसराइल फॉर एन इमीडिएट सीज फायर। तो इसराइल को बोला जा रहा है कि आप तुरंत से तुरंत सीज फायर करो। द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ एंड द रिलीज ऑफ ऑल होस्टेजेस। इंडिया वॉज अमंग 153 कंट्रीज दैट मेड अप अ मैसिव 4/5 मेजोरिटी, मतलब 5 में से 4 लोग, 50 में से 40 लोग इन द असेंबली हु वोटेड इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन, वेर ओनली 10 कंट्रीज इंक्लूडिंग द US एंड इसराइल वोटेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन एंड 23 एब्सटेंड। बस US और इसराइल जो है वो नहीं किया, एब्सटेन किया उन्होंने। डिस्पाइट बीइंग अनसेटिस्फाइड विद द रेजोल्यूशन, इसराइल सेड इट अप्रिशिएटेड इंडिया सपोर्ट एंड वोट इन फेवर ऑफ टू प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स। थैंकिंग इंडिया, द पैलेस्टीनियन एम्बेसडर टू इंडिया सेड दैट ऑल कंट्रीज मस्ट से इनफ इज इनफ। 153 कंट्रीज have voted for ceasefire, but the US has opposed it. And by doing so, the US has once again proved that they are partner of Israel in this continuing massacre of Palestinian people. तो ये आया है पैलेस्टीनियन एम्बेसडर से। उन्होंने बोला है कि सबको थैंक यू, इसको इनफ इज इनफ, हमें बोलना चाहिए, रोकना चाहिए। US ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि वो इसराइल का पार्टनर है और वो पैलेस्टीनियन पीपल के मैसेकेयर को सपोर्ट कर रहा है। अगर इतना तुम्हें बुरा लग रहा है, तुमने पहले क्यों बम्बार्डमेंट किया? मेरे को इंडिया का स्टांस जो है, मेरा भी वही स्टांस है, पर मेरा कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी हो सकता है। वो क्वेश्चन यही है, जब इनफ इज़ इनफ था तो वो पहले क्यों नहीं इनफ था? लड़ाई जब शुरू करोगे तो कोई ख़त्म कर रहा है, तुम्हें बुरा लग रहा है। अम्बेसडर ऑफ पैलेस्टीन अबनान अबू अल हैजा सेड, ठीक है, द रेजोल्यूशन डिड नॉट इंक्लूड एनी स्पेसिफिक रेफरेंस टू द October 7 टेरर अटैक इन इसराइल बाय हमास। द रीजन, इंडिया हैज़ रिफ्यूज टू वोट इन फेवर ऑफ सिमिलर UNGA रेजोल्यूशन ऑन October 27 इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट EOV, एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट EOV, इसको EOV बोलते हैं, डिलीवर्ड ऑन वेंसडे। इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द UN रुचिरा कम्बोज डिड नॉट क्लेरिफाई द रीजन फॉर इंडियाज शिफ्ट, बट said that India welcomes the fact that the international community had been able to find common grounds to address the situation in West Asia, where more than 18,000 people have been killed by Israeli operation in the past 2 months in retaliation of Hamas attacks in which 1,200 were killed. तो 1,200 के चक्कर में 18,000 तुम खत्म कर दिए, तो ठीक ही है। जब पहले नहीं मारना, मेरे को तो यही बुरा लग रहा है, और लोग मर रहे हैं, मुझे बुरा लग रहा है। पर क्या इसराइल के लोग हमेशा फियर में रहे? जैसे नेतन्याहू जी ने बोला था, वी विल एंड दिस, हम हमेशा फियर में नहीं रहेंगे। तो मुझको पर्सनली उनकी बात कहीं पे गलत लग नहीं रही है, पर हाँ, ये जो इतने लोग मर रहे हैं, मुझको वो बहुत बुरा लग रहा है। व्हेन आस्क अबाउट इंडियाज वोट, द इसराइली एम्बेसी इन दिल्ली सेड इट अप्रिशिएट्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज स्टैंड विद इसराइल अगेंस्ट टेररिज्म आफ्टर द अटैक। While the UNGA does not have the power to enforce its resolution as the UNSC does, it carries the sentiments of global community against the Israeli bombardment of Gaza that has rendered more than a million people homeless. At the UNGA, the United Nations General Assembly, the US also proposed an amendment that would insert a specific mention of heinous terrorist attack by Hamas that took place in Israel starting on 7 October 2023 and the taking of hostages. While Austria proposed an amendment to make Hamas and other group that are holding Israeli hostages, India voted in favor of them, but both amendments were dropped as they did not receive the votes required. The final resolution passed said that the UNGA expressed grave concern over the catastrophic humanitarian situation in the Gaza Strip while demanding the immediate ceasefire. तो आप देखो, UNGA के पास पावर नहीं है कि वो इसको अप्लाई करवा पाए, डज नॉट हैव पावर टू इन्फोर्स, इन्फोर्स करने का पावर नहीं है, UNSC के पास होता है। तो ये जो चल रहा है, ये UNGA में हो रहा है, ठीक है। तो UNSC में होता तो कुछ इससे इसराइल को प्रॉब्लम होती, अभी इसको इसराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तुमको बोलना है तुम बोल लो, हम तो करेंगे वही जो हमारे मन का है, ठीक है। अब देख, चलिए एक बार देख लेते हैं।
कौन सी कंट्री है बताइए? ये है आपका इज़राइल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लेबनन, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, मेडिटेरेनियन सी, ये है आपका गाज़ा स्ट्रिप, ये है आपका वेस्ट बैंक, ठीक है। ये सारा इज़राइल है और बीच में आ गया आपका इज़राइल। हुआ क्या था, आप देखिए, यहाँ से पहले बम्बार्डमेंट्स हुए, इज़राइल ने फिर रिटेलिएट किया बड़े बम्बार्डमेंट से। हम देख रहे हैं, पहले बम्बार्डमेंट में 1200 लोग मारे गए थे, जो किसने किया था? हमास ने। अब हो गया 1800, 18,000 लोग मारे गए, ये किसने कर दिया? इज़राइल ने, ठीक है। तो ये वर्सेस चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बड़ा केओस जैसा सिचुएशन है। तो दो यहाँ पे ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप्स हैं, UNGA, UNSC, ये सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, ये जनरल असेंबली हो गया। जो रेजोल्यूशन पास होता है ये इन्फोर्स नहीं करवा सकता, ये इन्फोर्स करवा सकता है। तो अभी जो बात हो रही है, जिसमें इंडिया ने अगेंस्ट में किया है, UNGA में हुआ है। इंडिया जो है वोट किया है टू सीज फायर, ठीक है, अगेंस्ट इज़राइल, ठीक है। ये चीज़ इंडिया ने वोट किया है, यहाँ पे साफ बोला गया 23 एब्सटेन है। फेवर में किसने वोट किया? US एंड इज़राइल ने, प्लस 153 कंट्रीज थे। US इज़राइल ने अगेंस्ट वोट किया है रेजोल्यूशन के, मतलब ये वोट कर दिया फेवर ऑफ इज़राइल, ठीक है। ये एक चीज़ होगी। और एक ग्रुप है जिसमें आप देखिए 23 ने एब्सटेन किया है, मतलब कोई वोट नहीं किया, इन्होंने बोला नहीं भैया आपको जो करना है करो, हम वोट नहीं कर रहे हैं। वन, या समझ नहीं आ रहा हमें, टू, थ्री, ये तीन सिचुएशन यहाँ पर हुई है। इंडिया ने पहले वाले सिचुएशन में वोट किया है। इसमें बात बस यही हो रही है, वो लोग तारीफ कर रहे हैं, ये लोग तारीफ कर रहे हैं, इसराइल ने फिर भी थैंक यू बोला है, इसको इतने लोग मारे गए। पर एक ये चीज़ है, ग्रेव कंसर्न कैटेस्ट्रॉफिक ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन, यहाँ पे अब फाइनली उठकर एक बात आ रही है, हो क्या रहा है, ग्रेव कंसर्न कैटेस्ट्रॉफिक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, कहाँ पे? इस एरिया में, ठीक है। तो बस इतना ही था, थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।